सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक और नए आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है एशिया नेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो इस कंपनी के आईपीओ से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस में अवेलेबल जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, एशिया नेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड जो कंपनी है, इसने अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेज करने के लिए सेबी को DRHP सबमिट कर दिया है। आपको बता दें कि DRHP का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाकर मार्केट से पैसा रेज करना चाहती है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि उसे सेबी को DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है। इसमें कंपनी की सारी जानकारी, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी कितने हजार करोड़ का आईपीओ लाना चाहती है और वो तमाम जानकारी जो कि एक आईपीओ लाने के लिए जरूरी होती है, इसमें रखी जाती है। सेबी इस जानकारी को वेरीफाई करता है और वेरिफिकेशन के बाद ही कहीं जाकर कोई आईपीओ मार्केट में ओपन हो पाता है अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, इस कंपनी ने DRHP तो सबमिट कर दिया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और यहां पर कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 प्रति इक्विटी शेयर रखा गया है। अब देखिए, बात आती है कि ये आईपीओ का साइज कितना बड़ा होगा, यानी कि इसका इश्यू साइज क्या होगा। तो आपको बता दें कि ये टोटल जो आईपीओ है 7650 मिलियन के आसपास होने वाला है, यानी कि अगर इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो करीब 765 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ आपके लिए आता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, इसमें फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू करीब 3000 मिलियन का होगा, यानी कि इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो 300 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होगा। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो ऑफर फॉर सेल करीब 4650 मिलियन यानी 465 करोड़ के आसपास का होने वाला है। यानी टोटल इशू को मिलाएं तो करीब 765 करोड़ का ये इशू आपके लिए आता हुआ नजर आने वाला है। अब देखिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आप देखें डेट्स का कॉलम भी है, लेकिन डेट्स यहां पर नहीं आई हैं। डेट्स तभी आती हैं जब किसी आईपीओ को सेबी द्वारा अप्रूवल मिल जाता है। और अभी देखिए, इन्होंने DRHP सबमिट किया है तो अभी सेबी वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद ही इसको अप्रूवल मिलेगा। अब देखिए, बात आती है कि ये आईपीओ कब तक मार्केट में ओपन हो सकता है अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब सेबी को DRHP सबमिट किया जाता है यानी अप्लाई किया जाता है, उसके करीब 2 से 3 महीने तक यहां पर वेरिफिकेशन चलता है और उसके बाद ही अप्रूवल मिलता है। यानी कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, मिड दिसंबर चल रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि करीब मार्च के महीने में ये आईपीओ आपको आता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी आईपीओ नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे आईपीओ हैं जिनको अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया और उसके बाद वो आईपीओ आपको जनवरी, फरवरी में आते हुए नजर आएंगे। और देखिए, अभी जो एप्लीकेशन आ रहे हैं वो आईपीओ आपको मार्च, अप्रैल में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखते हैं ये आईपीओ कैसा रहता है। मुझे लगता है ये आईपीओ काफी बेहतरीन होने वाला है और आपको बढ़िया कमाने का मौका भी यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।